हाय दोस्तों दोस्तों मैं आज जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो वीआरवी वीआरएफ कि किसी भी ब्रांड के अंदर में किसी भी कंपनी के अंदर में गैस चार्ज करने के प्रोसेस को लेके। बहुत सारे टेक्नीशियंस जो ऑटो गैस चार्ज प्रोसेस के बारे में नहीं जानते या पुश बटन सेटिंग्स के बारे में नहीं जानते हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि सिस्टम के अंदर अगर ऑटो गैस चार्ज करना हो या मैनुअल गैस चार्ज करना हो तो बिना प्रोग्रामिंग और बिना सेटिंग के जाने पुश बटन सेटिंग्स के बिना हम कभी भी ट्रबल शूटिंग करते हैं या मेंटेनेंस करते हैं या न्यू इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट होते हैं। तो न्यू इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट पे क्या होता है कि अधिकतर जो हमारे कमिश्निंग इंजीनियर्स होते हैं या हमारे जो सपोर्ट करने वाले इंजीनियर्स होते हैं वो ऑटो गैस चार्ज प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं जब न्यू प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन होते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जो रनिंग होने के बावजूद उसके अंदर में कभी कोई मैकेनिकल दिक्कत आने की वजह से हमको कोई मैकेनिकल पार्ट्स हमको रिमूव करना पड़ता है और गैस दोबारा रिफिल करना पड़ता है। तो उस कंडीशन के अंदर में सिस्टम के अंदर में अगर आप ऑटो गैस चार्ज के प्रोसेस के बारे में नहीं जानते हैं और अगर आप मैनुअल गैस चार्ज करना चाहते हैं तो उस दिशा में आपको क्या करना चाहिए। देखिए सिस्टम के अंदर में अगर आप मैनुअल गैस चार्ज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है और ऑटो गैस चार्ज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम नहीं होती है। मैनुअल गैस चार्ज करने के अंदर में जितने भी जो सेंसर होते हैं वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं करते हैं कि सिस्टम में गैस चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन जब आप ऑटो गैस चार्ज करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर में जितने भी जो हमारे एक्सपेंशन वाल्व होते हैं जितने भी हमारे हाई प्रेशर लो प्रेशर स्विच वगैरह होते हैं वो ऑटोमेशन के अंदर में काम करते हैं और हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक गैस को सक करता है और जब तक कि फील नहीं होता है गैस चार्ज तब तक वो गैस को चार्ज करते रहते हैं। तो सिस्टम के अंदर में अगर मान लीजिए अगर आपकी की कंडीशन ऐसी है या आप इसी सिचुएशन में हैं कि आपको सडनली अगर गैस प्रोसेस करना है मैनुअल गैस चार्ज करना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर सिस्टम के अंदर में गैस बिल्कुल भी नहीं है, आपने कोई भी कंप्रेसर चेंज किया है या कोई डिवाइस चेंज किया है या कोई प्रोटेक्शन कंट्रोल जो आपका सिस्टम में मैकेनिकल पार्ट से जहां पे आपने वेल्डिंग करके उसको गैस को रिमूव करके अगर आपने किया है या लाइन के अंदर में आपने लाइन सेक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन को बंद करके आउटडोर यूनिट में आपने जो कोई भी पार्ट चेंज किया है उस कंडीशन में आप किस तरीके से सिस्टम को जो है मैनुअल गैस चार्ज कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सिस्टम को ऑन नहीं करना है। आपका वैक्यूम प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है, सिस्टम में डायरेक्टली सेक्शन और डिस्चार्ज के वाल्व ओपन करना है और चार्जिंग लाइन के माध्यम से आपको गैस टॉप अप करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सिस्टम के अंदर में गैस चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपकी सेक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन आपको अपने चार्जिंग वाल या अपने जो चार्जिंग जिसके माध्यम से चार्जिंग जो आप गैस यूज करते हैं उसके माध्यम से सिस्टम के अंदर में ये चीज देखना है कि सिस्टम के अंदर में कितना स्टडिंग प्रेशर 410 गैस का रहता है। वो स्टडिंग प्रेशर आप उसके अंदर में डालिए और उतना डालने के बाद में आप सिस्टम को ऑन कर दीजिए। आपका जो मैनुअल गैस चार्ज है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और आपका गैस चार्ज वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आप सभी कंपनियां सभी सीरीज सभी ब्रांड के अंदर में आप कर सकते हैं। धन्यवाद।